हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो शुरू करते हैं वीकली चार्ट से। तो बैंक निफ्टी आज बंद हुआ है 34,930 पे, लगभग 400 पॉइंट नीचे बंद हुआ है 1.1% लॉस के साथ। तो यह हमें अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, और जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा भी था कि यहाँ आपको दोनों तरफ अच्छे खासे मूव्स देखने को मिलेंगे। इंट्राडे में राइज होता है तो वहाँ से अच्छा खासा सेल ऑफ आ सकता है, और यहाँ सेल ऑफ भी आया क्योंकि वहाँ जो है तो हमने जो 50 वीक का एवरेज और पीवोट को टच किया था, तो उसकी वजह से वहाँ से अच्छा खासा सप्लाई मार्केट में देखने को मिला बैंक निफ्टी को ऑन वीकली चार्ट। और इस वीक जो है तो हम शायद नीचे के लेवल भी बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। तो वीकली चार्ट पे अभी यहाँ जो है तो करेक्शन मुझे फिर से ड्यू देखता है बैंक निफ्टी में, जो हमने बाउंस बैक किया था उसके बाद में यहाँ मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग हिट कर सकती है, और हम जो है नीचे 33,250 का लेवल जो 100 वीक का एवरेज है उसको टेस्ट करने के लिए फिर से जा सकते हैं। तो और ऊपर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 35,620 का रहेगा, या फिर 650 का पकड़ के चले। अगर नेक्स्ट बिग मूव आनी है तो इसके ऊपर ही आएगी। जब तक बैंक निफ्टी इसको क्रॉस नहीं करता है, हम जो है तो एक रेंज में ही चलते रहेंगे। ऊपर जो है तो 35,650, नीचे जो है तो 33,250, तो इस रेंज में हम ट्रेड करते रहेंगे। और वोलेटिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी यहाँ, क्योंकि विक्स ऑलरेडी आज फिर से विक्स जो है तो 4% अब बंद हुआ है, तो यहाँ वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो वीकली चार्ट वीक दिख रहा है और यहाँ नीचे के लेवल सजेस्ट कर रहा है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे हमने फर्स्ट रेड कैंडल देखी लास्ट दो दिन के बाद, और आज जो है तो कल का जो जितना भी गेन था उसका लगभग 60-70% ऑलरेडी हमने ईटअप कर लिए हैं। तो यहाँ ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा सेलिंग आ रहा है और प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा है। हमने आज 20 डेज का जो एवरेज टेस्ट करने के बाद अच्छा खासा सेल ऑफ देखा है। तो जब तक हम ये 20 डेज का एवरेज पार नहीं करते जो लगभग 35,550 पे, तो ये इसको पार नहीं करते तब तक मेरा जो व्यू रहेगा वो सेल ऑन राइज रहेगा। जो स्टॉप लॉस रहेगा आज का जो हाई था उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, जो लगभग 35,700 का पकड़ के चलिए, तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। और सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। नीचे जो टारगेट बनेंगे मेरे, यहाँ मेरे जो टारगेट है वो 34,000 और 33,800, ये मेजर टारगेट के लिए मैं बैंक निफ्टी सेल करना चाहूँगा, और यह सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी। अगर 35,550 पे मिलता है तो बिल्कुल सेल करेंगे हम बैंक निफ्टी को, 200-250 पॉइंट का स्टॉप लॉस, नीचे 34,100, उसके बाद में 33,800 के टारगेट हम पकड़ के चलेंगे इस वीक के लिए। ये टारगेट कल भी आ सकते हैं या फिर एक दो दिन लग सकते हैं, तो दो ही दिन बचे हैं, कल का और परसों का, फ्राइडे के दिन छुट्टी है, तो ये दो दिनों में हमें ये मार्केट में ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ मेरा सेल ऑन राइज व्यू रहेगा एज पर डेली चार्ट। अभी आवरली चार्ट देखते हैं। तो आवरली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने कोशिश की थी ऊपर के लेवल टेस्ट करने की, मगर यहाँ जो है तो ऊपर के लेवल पे अच्छा खासा सप्लाई आने के बाद बैंक निफ्टी में फाइनली सेल कॉल दे दिया है सुपर ट्रेंड पे, और यहाँ बैंक निफ्टी जो है तो पीवोट और जो CPR है उसको टच करने के लिए जा सकता है एज पर आवरली चार्ट। तो यहाँ मेरा सेल ऑन राइज व्यू रहेगा, हम सेल करेंगे आवरली चार्ट पे। जो मुझे लेवल दिखते हैं हम 35,400 से लेकर 600 के बीच में सेल करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा लगभग उसके ऊपर 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए, और नीचे जो है तो 34,100 और 33,800 के टारगेट मुझे बैंक निफ्टी में आते हुए दिखते हैं एक दो दिनों में। तो यहाँ सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। ऊपर हमें मिलता है बैंक निफ्टी कल तो हम सेल करेंगे 35,400 या 600 के बीच में, और 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस टारगेट जो पोजिशनल टारगेट रहेगा। ये इंट्राडे में भी आ सकता है क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से आज जो है तो हमने अच्छी खासी शुरुआत की थी, और बाद में जो है तो ऊपर के लेवल से देख सकते हो आप 600 से हमने लो लगाया लगभग 600, तो 1000 पॉइंट का फॉल हमने टॉप टू बॉटम देखा है। तो ये वोलेटिलिटी कॉमन हो जाएगी यहाँ, क्योंकि यहाँ जो है तो मार्केट को जितने भी वीक हैंड है उनको वाइप आउट करना है। ऑप्शन ट्रेडर जो है तो वो फोकस करे 35,600 का जो पुट ऑप्शन इन द मनी उस पर फोकस करेंगे, उसको हम डिप्स पे बाय करेंगे विथ अ स्टिक स्टॉप लॉस सेम रहेगा जो है तो 200 पॉइंट ऊपर। तो अगर फ्यूचर 35,800 को क्रॉस करते हैं तो उस ऑप्शन में जो भी लॉस होगा वो लेकर निकल जाएंगे। नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो हमें एक्सपायरी तक उसमें 2x प्लस गेन देखने को मिल सकते हैं, तो हम फोकस करेंगे 35,600 का पुट ऑप्शन उस पर फोकस करेंगे, और उसको जो है तो डिप्स पे बाय करना है, क्योंकि अगर यहाँ बाउंस बैक ज़रूर आएगा, तो बाउंस बैक आता है तो पुट ऑप्शन में आपको अच्छा खासा डिप्स देखने को मिलेगा। यहाँ जो है तो प्रीमियम इतने शेड नहीं होंगे क्योंकि यहाँ विक्स बड़ा हुआ है, तो यहाँ प्रीमियम जो है तो प्रॉपअप ही रहेगी, तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है।
तो कम लॉट में करना है, अगर चार लॉट में करते हो तो दो लॉट में ही हमें जो है तो एवरेजिंग करनी है उसकी, या फिर डिप्स पे बाय करना है मगर स्टॉप लॉस के साथ। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको जो भी लॉस होगा वो लेकर के निकल जाना पड़ेगा। आज भी जो है तो हमने लॉन्ग किया था मगर यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था, इसकी वजह से बच गए, क्योंकि यहाँ इतने सडन फॉल आया तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो प्रॉफिट है उसको एन कैश करने में हम सक्सेसफुल रहे। हमने जो है तो ऑलरेडी कहा था कि ऊपर जाएगा और ऑलरेडी हम ऊपर जा रहे थे, मगर जिस तरह से मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग हिट की है तो ये आपको आगे भी चल के बहुत कॉमनली देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ जो है तो मार्केट की डेप्थ जो है तो लॉस हो जाएगी और यहाँ मोस्ट ऑफ द जो मेजर ट्रेडर है वो मार्केट से निकल रहे हैं, तो उसकी वजह से मार्केट डेप्थ भी थोड़ी सी शालो रहेगी और हमें बिग स्विंग दोनों तरफ भी देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो का लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो प्रीमियम सर्विस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ जाकर ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।